Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut mein surang banakar ek baar phir se badmashon ne jewelry showroom par apna haath saaf kar liya. Isi tarah par lagatar ho rahi vardaaton se aakroshit vyapariyon ne showroom ke bahar dharna pradarshan shuru kar diya. Police ki maujoodgi mein व्यापारियों ने पुलिस गो बैक के नारे लगाते हुए अपनी नाराजगी जताई। दरअसल मेरठ शहर में सुरंग बनाकर अब तक 4 ज्वेलरी दुकानों को बदमाश अपना निशाना बना चुके हैं। बीती रात नौचंदी थाना क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित न्यू अंबिका ज्वेलर्स को बदमाशों ने कंगाली के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। इस घटना के विरोध में व्यापारियों ने आसपास की दुकानें बंद कर दी। देखिए मौके पर विरोध दर्ज कराते व्यापारी। मौके पर आने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करते, वो अपने ऑफिस में बैठकर इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि इससे 3 माह पूर्व इसी थाना क्षेत्र में 2 चोरियां इसी तरीके से पहले भी हो चुकी है। साथियों खुले मंच से ये कह देना चाहते हैं, इस तरीके की पुलिसिंग हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और एसपी सिटी साहब, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कल मैंने आपको 3 बार फोन मिलाया, आपके थाना दिल्ली गेट महोदय खुद बदतमीजी कर रहे थे, व्यापारियों के ये तुड़वा रहे थे। हमसे भेज देना थानेदार को अपने, हम चल रहे हैं वहीं, दिखा दो हमें। अरे पैसे लेके ये बोलने के बजे एसपीसीडी पीड़ित दुकानदार पीयूष ने यह जानकारी दी। क्या ठीक वही तरह है चोरी का आपकी दुकान? सेम उसी तरीके से हुई है, हमने ऑलरेडी पहले भी आरसीसी का लेंटर डलवाया हुआ था, उस लेंटर को भी तोड़ दिया गया, नाले पर भी आरसीसी की दीवार थी वो भी तोड़ दी गई। उसके बाद जब दुकान खोली है 10:15 बजे, तब ये इस घटना का हमें पता चला। मौके पर मौजूद मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने यह कहा। मेरा नाम विजय आनंद अग्रवाल है, मैं मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का महामंत्री हूं, यानी कि यहां के सभी ज्वेलर्स का महामंत्री हूं। आज हमारे सराफा व्यापारी हमारे सदस्य भी हैं, पीयूष भाई, और आपकी दुकान अंबिका ज्वेलर्स है, ये मेरठ में नंदन सिनेमा चौराहे पर। आपकी दुकान में भी जैसा अभी कुछ दिनों पहले प्रिया ज्वेलर्स पर हुआ था, उसी प्रकार से आपकी दुकान में भी कुंबल करके और अंदर रास्ता बना के और इनकी दुकान से सारा सामान चोरी कर लिया गया है। अलमारियाँ अभी सुरक्षित हैं, वो देखने पर पता चलेगा कट पाई या नहीं कट पाई। हमारी मांग है कि यहाँ पर बड़े लेवल के अधिकारी, ADG, IG सभी लोग कैंप करते हैं, वो आएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के शासन में हम रहते हैं, तो हमारी मांग है माननीय योगी जी ही आकर हमें बताएं कि हम किस तरह से व्यापार करें, ये पुलिस किस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रही है। और योगी जी का निर्देश है हर महीने सराफा व्यापारियों के साथ मीटिंग होनी चाहिए, कोई भी पुलिस अधिकारी हमारे साथ मीटिंग तक नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह, हमारे साथ लगातार घटनाएं हो रही है, कोई घटनाएं नहीं खुली जाती, हमें केवल चूरन चटनी की पुड़िया हाथ में दे दी जाती है। अब वो चूरन चटनी से हम नहीं चलने वाले, हमारे आंदोलन के तरीके हमारी मीटिंग के बाद तय होंगे और आंदोलन गंभीर होगा। वहीं संयुक्त व्यापार संघ नेता दलजीत सिंह ने कहा कि घटना की जानकारी होने के बावजूद SP City 1.5 घंटे बाद पहुंचे। मेरठ पुलिस वर्तमान में उगाही में लगी हुई है, ट्रैफिक पुलिस तो खुलेआम वसूली कर रही है। देखिए क्या कहा दलजीत सिंह ने। अब से 1.5 घंटा पूर्व ये सूचना प्राप्त हुई कि अंबिका ज्वेलर्स में सुरंग खोद कर चोरी की गई है। उसके बाद 1.5 घंटे बाद SP City मौके पर आते हैं। ये निश्चित रूप से किसी कीमत पर संयुक्त व्यापार संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 माह में लगातार इस थाना क्षेत्र में 3री घटना है। लगातार कप्तान साहब का ये कहना कि हम अधिकारी के बहुत अपराधी के बहुत नजदीक है, लेकिन अपराधी उनकी पकड़ से बाहर है। हमारा कहना है जब तक इन घटनाओं का खुलासा नहीं होगा, टीम संयुक्त व्यापार संघ चुप रहने वाली नहीं है। पुलिस का काम व्यापारी की सुरक्षा ना कर व्यापारी से अवैध उगाही करने का शुरू हो चुका है। हापुड़ अड्डे का चौराहा इसका जीता जागता सबूत है, और इससे पूर्व SP ट्रैफिक महोदय ने हमारे कहने पर अपने उससे पुलिस वालों से 2,000 रुपए की वसूली वापस कराने का काम भी हमारा किया। इसके गवाह वो है कि उन्होंने पैसा वापस दिया। मौके पर मौजूद SP City पीयूष सिंह ने यह जानकारी दी। आसिफ कहना चाह रहा सर, एक शॉप में चोरी की वारदात हुई है, क्या है पूरा मामला, किस तरह से व्यापारियों को समझा? ये थाना नौचंदी क्षेत्र अंतर्गत गढ़ रोड पे न्यू अंबिका ज्वेलर्स के नाम से एक ज्वेलरी शॉप है, यहाँ देर रात जो नाले के रास्ते सुरंग बना के चोरी की गई है।
इसको लेके व्यापारियों में यहाँ पे आक्रोश दिखाई दिया है। इन सभी से वार्ता की जा रही है और घटना के अनावरण के लिए डेडिकेटेड टीम गठित की गई है और शीघ्र ही इस पूरे घटनाक्रम को और पीछे जो भी घटनाएं अभी तक अनवर्कआउट है उनका हम लोग खुलासा करेंगे। हाँ सर, अभी भी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक वारदात अंजाम देने का प्रयास, इसी तरीके के जो है एक प्रयास करीब 15-20 दिन पहले भी हुआ था, इसीलिए मैंने कहा कि इसमें भी डेडिकेटेड टीम गठित की गई है। हाँ, इसमें SSP साहब आ रहे हैं, उनके बात हो चुकी है, थानेदार विरुद्ध कार्रवाई। कितने थानों के थाना प्रभारी को हटाने का आश्वासन? नहीं, नौचंदी थाना क्षेत्र। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी बराबर नजर। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।